अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने बात करनी है कैंडलस्टिक चार्ट टाइम की, के जो टाइम फ्रेम्स हैं उनको हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं, उनको कैसे देखते हुए हमें टेक्निकल एनालिसिस बनाने हैं, और टेक्निकल एनालिसिस की डेफिनेशन जो है वो ईजी वर्ड्स में आपको समझाऊंगा, और प्रीवियस लेक्चर में से कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम अभी देखेंगे, और उसके बाद आज का जो है लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लाजमी दबाइएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो यहाँ हमने जो है वो ये चार्ट पैटर्न जो चार्ट जो है वो ओपन किया हुआ है ट्रेडिंग व्यू पर, और अगर आपको पता नहीं है कि ट्रेडिंग व्यू क्या है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आपने वीडियो देखकर ट्रेडिंग व्यू को समझ लेना है। तो कल की वीडियो थी हमारी स्टडी ऑफ जैपनीज कैंडल्स, और इसमें काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि आप कैसे जो है वो इन कैंडल्स को बनता हुआ देख सकते हैं, खुद बना सकते हैं, और क्या कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं एक कैंडल को बनने के लिए। तो ये जो रेड और ग्रीन कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, इन्हीं के बारे में आपको बताया था। तो कुछ क्वेश्चन आए प्रीवियस लेक्चर में से। फर्स्ट क्वेश्चन था कि कैंडल की बॉडी हाइट क्या डिटरमाइन करती है। तो कैंडल की बॉडी हाइट और जो है वो यही डिटरमाइन करती है कि एक कैंडल के अंदर बायर्स कितने थे, यानी कि प्रेशर जो है वो बायर्स का ज़्यादा था या सेलर्स का ज़्यादा था। तो यहाँ जो आपको ग्रीन कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि इस कैंडल के टाइम ड्यूरेशन में यहाँ जो है वो बायर्स का प्रेशर ज़्यादा था। यहाँ जो रेड कैंडल्स नज़र आ रही हैं, इन कैंडल्स में सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ सेलिंग ज़्यादा थी, और यहाँ बाइंग प्रेशर जो है वो ज़्यादा था। तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सर मैं एक सवाल किया है, क्या BTC की एक ट्रांजैक्शन ब्लॉक बन जाने के बाद ये कैंडल जो है वो बनती है। तो बेसिकली ये सेकंड क्वेश्चन है कि क्या बिटकॉइन की एक जो ट्रांजैक्शन होती है उसके बाद इसकी जो ये कैंडल्स हैं बन रही होती हैं। तो इसका आंसर है नो, बिटकॉइन की जो है वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ना इसकी कोई ब्लॉकचेन से जो है उसको कुछ फ़र्क पड़ेगा। इसकी बाइंग और सेलिंग पर जो है उसका असर अंदाज होता है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जो है इस पर इफेक्ट करती है कि लोग इसका कितना इसको ख़रीद रहे हैं और कितना इसको सेल कर रहे हैं। और ये जो कैंडल्स हैं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो अच्छी तरह पढ़ा है और आज का लेक्चर जो है आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा, तो आप इन दोनों लेक्चर्स को अगर अंडरस्टैंड कर जाते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि ये कैंडल्स जो हैं वो क्यों बन रही होती हैं और हमें क्यों जो है ये बार बार नज़र आ रही होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि सर स्कैल्पिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस सेम और डिफरेंट। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक टेक्निक है, और स्कैल्पिंग जो है वो इस टेक्निक की एक सब टेक्निक आप कह सकते हैं, कि स्कैल्पिंग जो है वही कर सकता है जिसको टेक्निकल एनालिसिस आते हैं, और स्कैल्पिंग जो है ये एक टेक्निक है जो कि टेक्निकल एनालिसिस में शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो की जाती है। तो चलते हैं आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, और आज के टॉपिक में आपको बताना है कि टेक्निक ये जो कैंडल्स हैं इनके टाइम फ्रेम के बारे में। तो कैंडलस्टिक का जो चार्ट टाइम फ्रेम है वो काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, लेकिन जो कॉमनली यूज़ होते हैं और बोले जाते हैं और ट्रेडर्स जो यूज़ करते हैं वो ये वाले कुछ टाइम फ्रेम है, जिसमें M1, M5, M15, M30, और उसके बाद H1, H4, D1 और W1 जो है वो कंसिडर होता है। M1 जो है वो 1 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम होता है, जिसमें OHLC वैल्यू जो है वो पिछले 1 मिनट की नज़र आ रही होती हैं। अब OHLC वैल्यू अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपको प्रीवियस लेक्चर जो है वो देखना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी भी मैं बता देता हूँ, OHLC वैल्यू मतलब ओपन हाई लो एंड क्लोजिंग, इसका जो है वो फुल फॉर्म बनती है। एक कैंडल की ओपन हाई लो और क्लोजिंग क्या रही है वो एक पिछले 1 मिनट में यहाँ बताया जाएगा। M5 अगर आप सिलेक्ट करते हो तो हर कैंडल जो है वो पिछले 5 मिनट का OHLC बताएगा आपको। M15 का टाइम फ्रेम अगर आप चूज़ करते हो तो पास्ट 15 मिनट्स के वो जो है वो आपको OHLC लेवल बताएगा। इसी तरह M30, H1, H4, D1, W1। अब जो M1, M5, M15 और M30 जो है वो मैंने रेड किए हुए हैं इनके कलर्स, वो क्यों किए हैं, क्योंकि ये यहाँ आपके एनालिसिस जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे एज़ कम्पेयर टू H1, H4, D1 और W1 की। H1, H4 के जो है वो डे ट्रेडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, और D1 जो है वीकली ट्रेडिंग, और W1 जो है मंथली ट्रेडिंग के लिए आप जो इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट जो आप M1, M5 और M15 का टाइम पीरियड होता है या M30 का, ये आप स्कैल्पिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनके एनालिसिस जो है इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते और आपको जो है वो इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा होता कि इस वक्त जो है वो क्या प्रेशर ज़्यादा है, बाइंग प्रेशर ज़्यादा है या सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। अभी आगे जाकर जो है बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर जो है आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, तो आपको समझ लग जाएगी।
तो ये जो M1, M5, 15, 30, H1, H4, D1, W1 ये कहाँ आपको देखने को मिलते हैं? जब आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करते हो तो यहाँ पेयर के साथ यहाँ आपने सर्च करना होता है पेयर, या कोई भी आपने मार्केट ओपन करनी होती है तो उसके साथ यहाँ ये लिखा होता है M1M लिखा हुआ है, यानी कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ आपको ट्रेडिंग व्यू में काफ़ी ज़्यादा टाइम फ्रेम जो है देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज जो है होता है वो 1 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक। तो यहाँ 1 मिनट का चार्ट जो है वो ओपन है, तो यहाँ जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं वो एक एक मिनट की टाइम मूवमेंट को जो है बता रही हैं। इसी तरह अगर हम 5 मिनट कर लेते हैं तो 5 मिनट की मूवमेंट को बता रहे होते हैं। अब यहाँ आपको जो मैंने एक रेड हाईलाइट किया है, इसको ज़रा समझ लेते हैं कि आपके एनालिसिस जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर क्यों ज़्यादा अच्छे रहेंगे और शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर क्यों ज़्यादा अच्छे नहीं बनेंगे। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनालिसिस जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर किस तरह होते हैं, ये अगर आप समझ लें। तो यहाँ मैंने कुछ जो है वो टाइम फ्रेम, दो टाइम फ्रेम जो है मैंने ओपन किए हैं। एक 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ, यहाँ हम देख सकते हैं M30, 30 मिनट्स की, यानी कि जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं वो 30 मिनट के बाद जो है वो नई कैंडल जो है वो बन रही है। इसी तरह मैंने जो है वो यहाँ H1 जो है वो ओपन किया हुआ है, 1 आवर, ठीक है। जितनी भी ये कैंडल्स बन रही हैं वो 1 आवर के बाद बन रही हैं। तो यहाँ आपको दो कैंडल्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। मैं यहाँ जो है उन कैंडल को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये मैंने ब्लैक जो है वो रेक्टेंगल बनाई हुई है, इसके अंदर जो है आपको नज़र आ रही है। तो ये जो दो कैंडल्स हैं, यहाँ आपको एक कैंडल जो है इसमें आपको नज़र आ रहा है कि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, यानी कि मार्केट जो है इस वक्त डाउन गई है इन 30 मिनट्स के अंदर, और यहाँ जो है आपको बाइंग प्रेशर जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये दो कैंडल्स जो हैं वो मिलकर एक नेक्स्ट कैंडल 1H की बनाएंगी। तो यहाँ आप मुझे ज़रा बताएं कि यहाँ ये ग्रीन कैंडल बनेगी या ब्लू कैंडल रेड कैंडल बनेगी। तो यहाँ अभी जो है वो आपको बता देता हूँ। हम यहाँ जो है वो कुछ लाइंस ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रे लेकर मैंने जो है वो ये लाइंस ड्रा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी जो है वो समझ आ जाए। और रेड कलर जो है वो मैं यहाँ से रेड कैंडल को दूंगा और ग्रीन कलर जो है वो मैं ग्रीन कैंडल को दूंगा। तो यहाँ OHLC वैल्यू जो है वो हम यहाँ पहले पिक कर लेते हैं सभी रेड कैंडल की, ठीक है। और उसके बाद OHLC वैल्यू जो है वो ग्रीन कैंडल की, और उसको मैं कलर जो है वो ग्रीन दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल रे जो है वो मैंने पिक की हुई है और इसी से जो है वो मैं यहाँ कलर जो है वो यहाँ कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने जो है वो हॉरिजॉन्टल रे से जो है वो मैंने यहाँ से ये टूल पकड़ा और यहाँ से इसकी जो है वो ये लाइनें लगा दी OHLC वैल्यूज़। तो यहाँ जो है वो अब आपको नज़र आ रहा होगा रेड कैंडल जो है उसमें सेलर्स का ज़्यादा प्रेशर था और ग्रीन कलर में बायर्स का ज़्यादा प्रेशर था। तो अब इन दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो आपको कौन सी वैल्यू जो है वो मिलेगी, या कौन सी कैंडल जो है वो आपको नई बनकर मिलेगी? तो यहाँ मैं जो है वो इसको H1 के टाइम फ्रेम में अगर लेकर जाऊँ तो यहाँ H1 का टाइम फ्रेम है और यहाँ मैंने इसको हाईलाइट किया था ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ। तो यहाँ ये वाली कैंडल जो है वो हमारी बनी है, वहाँ दो कैंडल जो है वो कितना ज़्यादा एरिया दिखा रही हैं, और यहाँ आप देखें थोड़ी सी मूवमेंट जो है वो यहाँ बायर्स की नज़र आई है। और यहाँ ये कैंडल ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ सेलर्स ने तो काफ़ी जो है वो कोशिश की है कि मार्केट नीचे जाए, बट बायर्स ने जो है वो मार्केट को ऑक्यूपाई कर लिया था और मार्केट को जो है वो अप लेकर गए हैं, और मार्केट पर बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है और मार्केट बायर्स के हैंड में है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से इतना एरिया जो है वो मार्केट ने इस कैंडल में मूव किया है, ये जो नज़र आ रही है। यहाँ मैं हॉरिजॉन्टल रे से जो है वो आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। तो यहाँ मैग्नेट पकड़ लेते हैं और हॉरिजॉन्टल रे, तो यहाँ एक लगा दी 48,129 पर है इसकी एंट्री, और इसकी क्लोजिंग जो है वो 48,157 पर। इसकी जो हाई था वो 48,218 पर, और इसका जो लो है वो 47,924 पर। तो यहाँ भी अगर आप देखो तो इन दोनों कैंडल में से सबसे ज़्यादा लो जिस कैंडल ने लगाया है वो ब्लू ग्रीन कैंडल है हमारी, और यहाँ आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा डिप जो है वो ये 47,924 है। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि हमारी जो लो वैल्यू रही है वो 47,924 है। इस तरह अगर आप इसका हाई देखो तो हाई जो है हमारी सेल वाली कैंडल ने लगाया था, तो यहाँ आप देख सकते हो तो हाई जो है वो 48,218 है। तो यहाँ हम इसकी जो है वो हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं तो 48,218 है, एग्जैक्टली वही। इस तरह हम जो है वो अब इसमें से आपको पता चलेगा
कि बाइंग प्रेशर की वजह से मार्केट जो है वो ऊपर क्लोज क्यों हुई, क्योंकि रेड कैंडल जो है वो नीचे आकर क्लोज हुई और यहीं से जो है वो बायर्स की यानी कि ग्रीन कैंडल जो है वो ओपन हुई, तो बायर प्रेशर ज़्यादा था तो इसलिए ऊपर जाकर इसकी क्लोजिंग होगी। अब ओपनिंग जो हुई वो यहाँ हुई थी 12 बजे और क्लोजिंग जो हुई वह 1 बजे यहाँ हुई है। ये 12 नीचे आपको टाइम फ्रेम नज़र आ रहा है, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए 19 सितंबर 2021 और आगे 12 लिखा हुआ है, यानी कि 12 बजे जो है वो ये कैंडल ओपन हुई है और 12:30 पे ये क्लोज होगी। अगर 12:30 पे कैंडल ओपन हुई है और 1 पर जो है वो 1 बजे जब ये क्लोज हो गई है, तो 1 बजे जब ये क्लोज हुई तो इसकी क्लोज जो हुई है इसकी कैंडल की वो क्लोजिंग 48,157 पर हुई है। तो यहाँ ओपनिंग रही है इसकी 48,129 पर और क्लोजिंग इससे ऊपर हुई है, तो इसलिए जो ये इतना सा एक था टाइम फ्रेम और इतनी सी जो मूवमेंट है वो इधर नज़र आई है हमें नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए आप, इसमें हम मज़ीद जूम करूँगा तो आपको जो है उसी तरह का व्यू जो है वो एक आ जाएगा कि हाँ इसमें ये एरिया जो है वो कवर हुआ है, यहाँ एग्जैक्टली आप ये मैच कर सकते हैं। तो ये टाइम फ्रेम बड़े जो है वो इफेक्ट करते हैं आपकी ट्रेडिंग के ऊपर। अब 30 मिनट के अंदर आप जो है वो ये एनालिसिस बनाओगे तो आप समझोगे कि हाँ यहाँ सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, तो इट्स मीन कि मार्केट जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर नेक्स्ट मोमेंट लम्हे आप देखोगे तो उसमें बाइंग प्रेशर थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू इस कैंडल की। तो इसी तरह अगर आप लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेडिंग करोगे तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिलेगी अपने एनालिसिस के ऊपर, और इसी तरह आप अपने एनालिसिस के ऊपर जो है वो ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिस जो है वो कर पाओगे और अपना अच्छा ज़्यादा जो है एक्सपीरियंस इसमें गेन कर पाओगे। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आप करते हैं लेकिन उसके आपको बिहाइंड द सीन और बिहाइंड द उसका पता नहीं होता कि टेक्निकल एनालिसिस असल में है क्या चीज़, इसका नाम टेक्निकल एनालिसिस क्यों है, तो इसकी डेफिनेशन समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस करने में भी आसानी रहेगी। तो सबसे पहले जो कैंडल्स हैं उनको डेफिनेशन समझ लें कि कैंडल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कि बायर्स और सेलर्स के अंदर जो एक स्ट्रगल हो रही है और जो एक वो एक कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, तो कैंडल्स जो हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। एक भाई का क्वेश्चन भी था कि सर मार्केट की हाइट, कैंडल की हाइट जो है वो क्या बताती है, तो कैंडल की हाइट जो है वो हमें यही बताती है कि उस कैंडल में बाइंग प्रेशर ज़्यादा था या सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था और कौन जीता है, बायर्स विन किए हैं या सेलर्स विन किए हैं। इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक पास्ट में जो मार्केट की मूवमेंट हुई होती है उसको देखते हुए अपने एनालिसिस बनाना, मार्केट का डाटा वॉल्यूम और उसमें फंडामेंटल्स क्या रहे हैं उसको देखते हुए नेक्स्ट फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना जो है उसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। पास्ट का डाटा, करंट जो आपका प्रेजेंट है उसमें आप देखते हो और फ्यूचर क्या प्रेडिक्शन करते हैं उसको आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन यही है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में अगर आपको कोई क्वेश्चन रह गया, कोई कन्फ्यूजन रहेगी इस लेक्चर में, तो आप जब नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट के 2 मिनट जो है हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस को लेकर होंगे, आपके जो क्वेश्चन होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को हम जो है डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ताकि आप लोगों को पता चले, और नेक्स्ट हम फिर इंशाल्लाह स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह फर्दर जो हम उसको लेकर चलते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।